हेलो फ्रेंड्स, मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं विनोद कैनी आज जो वीडियो लेके आया हूं वो है 55 इंच का फाल्कोन एलईडी टीवी, जिसमें फॉल्ट क्या है पहले मैं आपको दिखा देता हूं। यहां आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट जो है वो स्टैंड बाई कंडीशन में, इसमें वाइट लाइट स्टैंड बाई कंडीशन की है। ये जैसे मैं पावर बटन दबाता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लाइट है वो बंद हो गई, पिक्चर नहीं आ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं बैक लाइट जल रही है लेकिन पिक्चर नहीं आ रही है। सो ये फॉल्ट है इस टीवी में। देख लेते हैं इस फॉल्ट को हम कैसे रिपेयर करेंगे। ये स्टैंड बाई में वाइट एलईडी है इसकी, और जैसे ही ऑन करते हैं तो ये एलईडी बंद हो जाती है, और यहाँ पर अंदर एलईडी लाइट देख सकते हैं आप, लाइट जल रही है लेकिन पिक्चर नहीं आ रही है। पहले वोल्टेजेस लेंगे, क्योंकि फॉल्ट नो पिक्चर का है तो आपको पहले टिकॉन बोर्ड पे 12 वोल्ट सबसे पहले चेक करना है। बक कन्वर्टर से आउट हो रहा है 3.3 वोल्ट, वो चेक करेंगे, जो टिकॉन प्रोसेसर के लिए जाएगा, ऑफ आईसी में जाएगा, और अगर जो गेट कॉफ है तो गेट कॉफ में भी जाएगा। LC1 LC2 है तो इसमें गेट कॉफ नहीं है, ये हम दावे से बोल सकते हैं इसमें गेट कॉफ नहीं होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, तो जैसे ही हमने टीवी चालू किया तो आपने देखा कि 12 वोल्ट तो ओके आते हैं, 3.3 वोल्ट भी ओके आता है, 1.8 वोल्ट 1.5 वोल्ट है, और जी वी ऑन जो है वो 3.3 वोल्ट है। लेकिन क्या बूस्ट सप्लाई बन रही है? बूस्ट सप्लाई में यहाँ पर 28 वोल्ट आना चाहिए था, VGHF यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ सप्लाई नहीं बन रही है, ये मॉसफेट के थ्रू स्विच होके आ रहा है, ये ही सप्लाई यहाँ पर VGHF पर। सो हमें यह यहाँ पर VSS माइनस सप्लाई आनी चाहिए थी, वो नहीं आ रही है। VGL माइनस सप्लाई यहाँ पर -8 वोल्ट सिर्फ आ रहा है, बूस्ट वोल्टेज में और कोई सप्लाई नहीं बन रही है। यहाँ पर 1.1 वोल्ट जो लो वोल्टेज है वो सभी सप्लाई बन रही है, माइनस भी लो वोल्टेज होती है तो वो सभी सप्लाई बन रही है, लेकिन बूस्ट सप्लाई जैसे VAA जो है ये 16 वोल्ट की लाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 वोल्ट है। तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर ये जो DC to DC IC है ये बक कन्वर्टर्स के सारे आउटपुट्स बन रहे हैं, लेकिन जो बूस्ट सप्लाई है वो नहीं बन पा रही है। तो हम करेंगे ये कि 1x1 जो FFC केबल है ओपन करके चेक करेंगे क्या कौन से भाग में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये जो बूस्ट वोल्टेज है वो बंद है। क्या कॉफ में जाने के बाद हो रहा है ये, या कॉफ चली हुई है उसकी वजह से है, वो सारी जानकारी हमें तब पता चलेगी जब हम FFC केबल को ओपन करके 1x1 चेक करेंगे। अगर जो FFC केबल ओपन करने पर बूस्ट सप्लाई बन जाती है तो वो साइड की पैनल में फॉल्ट है। अब सबसे पहले मैं यहाँ से ये वाली केबल निकाल दूँगा, ठीक है, मैंने ये केबल निकाल दी है, और अब हम चेक करेंगे कि क्या बूस्ट सप्लाई हमारी बनती है या नहीं। VAA सप्लाई जो थी हमारी ऑन करने के बाद वो जो नहीं बन रही थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 15.2 वोल्ट बन गए हैं, और ये जो सप्लाई है जो नहीं बन रही थी VGHF, यहाँ आप देख सकते हैं 28 वोल्ट बन रहे हैं, और यहाँ पर भी 28 वोल्ट बन रहे हैं, ठीक है। और VSS सप्लाई जो नहीं आ रही थी वो -6 वोल्ट बन रहे हैं, VGL पहले से ही बन रहे थे और अभी भी -8 वोल्ट पे ही है, और बाकी सभी सप्लाई बन गई है। STV जो यहाँ पर ये जो सिग्नल्स होते हैं ये हमें DSO पे चेक करना होता है, ठीक है, DSO पे इसकी सिग्नल फ्रीक्वेंसी देखनी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैनल के इस भाग में जाने के बाद DC to DC IC के बूस्ट फंक्शन बंद हो जाते हैं। हाफ पिक्चर आती है कि नहीं वो देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड का AND लिखा हुआ है, सो दैट मीन्स हाफ पिक्चर बन जाती है इसमें। यहाँ देख सकते हैं ये हाफ रास्टर ओके है, और जो हमने केबल निकाल रखी है FFC उस साइड में रास्टर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये वाला जो भाग है वो क्लियर है, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पर सबसे पहले फिज़िकल डैमेज देखेंगे, क्या कॉफ ख़राब है या क्या प्रॉब्लम है। कॉफ को फिज़िकली चेक करेंगे, यहाँ पर आप दिखाइए कॉफ सारी
फोकस करके दिखाइए, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस इन कॉफ्स की, यहाँ पर ये जो लास्ट कॉफ है ये ओके बता रही है। अब ये सेकंड कॉफ देख लेते हैं, यहाँ पर ये कॉफ भी ओके बता रही है। अभी हम थर्ड कॉफ देख रहे हैं, ये ओके है। अब फोर्थ कॉफ, ये भी ओके है। फिफ्थ, ये भी ओके है। और सिक्स्थ, छह सोर्स कॉफ है लेफ्ट में और छह सोर्स कॉफ है राइट में, ठीक है। सो हमें इस भाग से पिक्चर नज़र आ रही है, लेकिन इस भाग में पैनल वोल्टेज के बूस्ट वोल्टेज है वो बंद हो जाते हैं। अब हम इसके लिए एक मॉडिफिकेशन करेंगे, जिससे कि हमारे बूस्ट वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहे थे इस साइड की केबल लगाने के बाद, उसे ठीक किया जा सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 28 और माइनस 8 वोल्ट ये कांस्टेंट अपने आप ही एक एक सेकंड में 28 और माइनस 7, ये LC 1 जो है वो माइनस 8 और 28 बता रहा है, और LC 2 28 और माइनस 7 बता रहा है। सो यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों कॉन्स्टेंटली एक एक सेकेंड में चेंज हो रहे हैं, स्विच ओवर हो रहे हैं, मतलब ऑन एंड ऑफ हो रहा है। सो ये पैनल में जाके जो ऑड नंबर्स को ऑन करता है LC 1 और LC 2, उस समय पे इवन नंबर को ऑफ करता है। ये दोनों जो टेस्ट पॉइंट्स हैं, ये LC 2 का है ये वाला, और ये LC 1 का है। तो ये दोनों जंपर्स हैं 0 ओम्स के, हम इसे निकाल देंगे, जिससे कि इस साइड जो हम पैनल में LC 1 LC 2 जा रहा है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा और DC to DC IC इस भाग से फ्री हो जाएगी। यहाँ पर केबल मैं दोबारा से लगा देता हूँ, क्योंकि अभी हम ठीक करके देख रहे हैं कि क्या LC 1 और LC 2 को इस भाग में जाने से रोकने से हमारी जो बूस्ट सप्लाई बंद थी वो चालू हो जाती है क्या, वो पहले हम देख लेंगे। ये दोनों जो LC 1 और LC 2 के जो दोनों जंपर्स हैं, जिनका लोकेशन नंबर है R135 और R132, ये दोनों लोकेशन नंबर से हम ये रजिस्टर निकाल देंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने LC 2 का उठाया, अभी हम LC 1 का उठा रहे हैं। LC 1 ऑड नंबर ऑफ़ लाइंस में ऑन ऑफ सिग्नल ले जा रहा है और LC 2 इवन नंबर ऑफ़ लाइंस में ऑन ऑफ सिग्नल ले जा रहा है। आप यहां देख सकते हैं ये दोनों 0 ओम्स के रेजिस्टेंस हमने निकाल दिए हैं। अब हम वो सरफेस को क्लीन कर लेते हैं। यहां आप देख सकते हैं 12 वोल्ट ओके हैं अब, और यहाँ पर VGHF जो टेस्ट पॉइंट है उस पर 28 वोल्ट बन रहे हैं अब, और यहाँ पर जो टेस्ट पॉइंट पर ये जो -5 और ये था, यहाँ आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर वोल्टेज वो स्विच नहीं होंगे, लेकिन यहाँ अभी भी वोल्टेज जो है स्विच हो रहे हैं ये दोनों वोल्टेज, लेकिन पैनल के इस भाग में अब ये वोल्टेज नहीं जाएंगे, जिसके वजह से प्रॉब्लम थी जो पैनल में वो सॉल्व हो चुकी है। अब हम दोनों जो हाफ पिक्चर बन रही थी, अभी पूरी पिक्चर बनती है कि नहीं वो देख लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिक्चर बन चुकी है और जो प्रॉब्लम थी इसमें वो सॉल्व हो चुकी है और ये टीवी तैयार हो गया है। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर दीजिए, ताकि जो मेरे नए वीडियोस हैं इसके नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट। बाय।